हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन पैटर्न। इसे जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में फ्रेंड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन पैटर्न बनकर आता है और ये डिज़ाइन जो है 3 के मल्टीपल बनेगा। देखिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 4 आपको एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं, ठीक ना। तो देखिए 1 2 3 4, ये टोटल ना 19 फंदे हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिजाइन पैटर्न जो है 4 रो की डिजाइन है। तो चलिए आज हम आपको ये डिजाइन पैटर्न बताते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन की घंटी, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो देखिए, ये डिजाइन पैटर्न का फर्स्ट रो है, राइट साइड है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और ये सीधा बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट करना है। ये फर्स्ट रो राइट साइड है। फ्रेंड्स, डिजाइन पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन पैटर्न है ये। ये राइट साइड है फर्स्ट रो और इसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब देखिए रॉन्ग साइड, ये सेकेंड रो है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और पूरी रो को ऐसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। दो सिलाइयाँ उल्टी सीधी बनानी है और दो सिलाइयों में ये डिजाइन पैटर्न होगा। तो फ्रेंड्स, ये 4 रो की ये डिजाइन है। आप चाहें तो इसमें 4 सिलाइयाँ जो है उल्टा सीधा बना सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए, ये उल्टा बुनते हुए ये दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई, सेकंड रो। अब आ गए राइट साइड थर्ड रो। अब इसे ध्यान से देखिएगा डिजाइन पैटर्न कैसे बनाते हैं। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, सेकेंड फंदा हम बुन लेंगे, ठीक ना। अब देखिए, 1 2 3, ये 3 फंदे हैं ना। तो देखिए, इसे बैक साइड से 3 फंदे का 3 फंदा बनाएंगे। देखिए, 1 2। तो देखिए, ये हम जो है इसे फर्स्ट फंदा निकाल लिए ना 3 फंदे से, और इसके बाद उनके धागे को अपनी साइड करेंगे, ठीक ना। सॉरी, ऐसे देखिए 1 फंदा ऐसे ले लेंगे, ठीक। अब ये सेकेंड, यहाँ पर हम सेकेंड बार बुनाई करेंगे तो हमारे क्या हो गए, 3 फंदे, ठीक ना। देखिए, 1 2 3, 3 फंदे से हमने ये 3 फंदे बुना लिए हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अगेन रिपीट करेंगे पैटर्न को। तो देखिए, ये 3 फंदे हैं ना, 3 फंदे से हम अगेन 3 फंदे बनाएंगे, ठीक। तो देखिए, ये 3 फंदे से 3 फंदा बनाना है। देखिए, हमने फर्स्ट फंदा बनाया, इसके बाद उनके धागे को हमने, ये सेकेंड फंदा हो गया और हम ये दोबारा बुनाई करेंगे, हमारा थर्ड फंदा हो गया, ठीक ना। इसके बाद इसे स्लिप कर देंगे, तो ये 3 फंदे से 3 फंदे, यही पैटर्न आपको रिपीट करना है। देखिए, 1 2 3, थोड़ा सा ऐसे लूज कर लेते हैं क्योंकि इसे बुनाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है अगर टाइट आपकी बुनाई हो तो। तो देखिए, ये 1 फंदा उनके धागे को ऐसे लपेट लिया, ये सेकेंड फंदा और ये थर्ड, 3 फंदे से हमने ये 3 फंदे बना लेंगे, ठीक ना। देखिए, 1 2 3, ठीक। अब अगेन 3 फंदे से 3 फंदा बनाएंगे, देखिए 1 2 और ये 3, ठीक। फिर इसको, तो ये देखिए, ये फर्स्ट फंदा उनके धागे को लपेट लिए, सेकेंड फंदा और ये
थर्ड बंदा। अब इसे हम स्लिप कर देंगे। अगेन देखिए, वन टू और ये थ्री, ये थ्री फंदा है ना, इन थ्री फंदों से हम अगेन देखिए वन बार बुनाई करेंगे, उनके धागे को लपेटेंगे, टू और ये थ्री। अब ये साइड में टू फंदे हैं, इन्हें सीधा बुनेंगे। तो देखिए ये थर्ड रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ठीक, अब हम आ गए हैं फोर रो रॉन्ग साइड। फोर रो रॉन्ग साइड में देखिए फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे। आप चाहें तो इसे बुन भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इससे हमें पहले नहीं बुनना है, ठीक ना, जो हमारा ये सेकंड फंदा है इसे पहले नहीं बुनेंगे। पहले जो है हम इसे बुनेंगे, जो ये जो हमारा इस फंदे को छोड़ के इस फंदे को बुनेंगे पहले। ठीक, फिर इसके बाद ये आगे वाला फंदा बुनेंगे ना। तो इन दोनों को ऐसे स्लिप कर देंगे, फिर वन फंदा बुन लेंगे। देखिए अब यही पैटर्न रिपीट करना है। देखिए यहाँ पर जो ये फर्स्ट फंदा है ना, इसे हम पहले बुनेंगे, इसके बाद ये जो आगे वाला फंदा है इसे बुनेंगे और फिर स्लिप कर देंगे। ठीक, फिर देखिए वन फंदा ये बुन लेंगे। देखिए ये यहाँ पर जो ये है फंदा ना, पहले यहाँ पर हम दूसरा फंदा बुनेंगे, इसके बाद ये आगे वाला फंदा बुनेंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये दोनों साइड से डिजाइन बनता है। ठीक, देखिए इसे स्लिप कर देंगे, इसके बाद वन फंदा ये बुन लेंगे। फिर अगेन देखिए यहाँ से, देखिए ये जो आगे वाला फंदा है ना, पहले इसे बुनेंगे। ठीक, फिर इसके बाद ये जो सेकंड फंदा है इसे पहले बुनेंगे, फिर इसके बाद ये जो फर्स्ट फंदा है इसको बुनेंगे और इसे स्लिप कर देंगे। ठीक, फिर ये जो बीच वाला फंदा है इसे बुन लेंगे। अब देखिए यही पैटर्न यहाँ पर भी रिपीट करना है। पहले यहाँ पर देखिए इसे हम बुनेंगे सेकंड फंदा, फिर आगे वाले फंदे को बुनना है। ठीक ना, ये जो आगे वाला फंदा है अगेन इसे बुनना है, फिर इसके बाद स्लिप कर देंगे। देखिए इसे बुनना है और ये पहले इसे बुनेंगे, फिर इसके बाद ये आगे वाला जो फंदा है इसे बुनेंगे और फिर ये साइड का स्टिच है इसे बुनेंगे। तो देखिए ये फोर रो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है ये डिज़ाइन का। और देखिए ये राइट साइड है, ये डिज़ाइन पैटर्न देखिए इस तरह बन करके आया है। वन से लेके फोर रो, दो सलाइयों में देखिए उल्टी सीधी बनानी है और दो सलाइयों में ये डिजाइन पैटर्न डालना है। ठीक ना, इसके बाद फिर देखिए फर्स्ट रो से ऐसे स्टार्टिंग आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये यहाँ से ये फर्स्ट रो रिपीट पैटर्न है। इस तरह आप सीधा बुनते हुए फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए ये फर्स्ट रो हम कंप्लीट करके आपको दिखा दिए। अब इसी तरह वन से लेके फोर रो तक आप रिपीट करते जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये पूरी डिजाइन इस तरह दिखेगी, इसे आप बनाइए। आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।